हेलो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू कुक। आज हम पनीर टिक्का रेप्स बनाएंगे, जिसके लिए एक बाउल में हम मैदा लेंगे, साथ में हम गेहूं का आटा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो सिर्फ गेहूं के या सिर्फ मैदे के बना सकते हो। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, काले तिल और हरे धनिया ऐड करेंगे। 2 चम्मच जितना ऑयल ऐड करके हम डो बना लेंगे। इस तरीके से हमारा डो रेडी हो जाएगा। उसको लीड लगाकर हम कवर करेंगे। पंजाबी मसाला या गरम मसाला ऐड करेंगे, जिससे हमारे पनीर टिक्का में अच्छी अरोमा आती है। लीड लगाकर 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। हमारा पनीर टिक्का ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसे आप रोटी पराठा या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे रैप्स बना रहे हैं, तो हम पानी का पोर्शन बिल्कुल नहीं रखेंगे। इस तरीके से पानी पूरा बर्न हो जाए तब तक कुक करेंगे। रेडी किया हुआ पनीर टिक्का आप पिज़्ज़ा में, सैंडविच में या पराठे के बीच में फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसमें बॉयल राइस ऐड करते हैं तो पनीर टिक्का बिरयानी बहुत ही बढ़िया बनती है। थोड़ा सा टैंगी टेस्ट देने के लिए हम टोमेटो केचप ऐड करेंगे। मिक्स करके हम रेप्स का फिलिंग रेडी करेंगे। रेडी किए हुए डो में से इस तरीके से हम एक पराठा बनाएंगे। पराठे का बेस मैंने मीडियम रखा है। अगर आप और पतला बनाना चाहो तो बना सकते हो। पराठे को तवे पे रोस्ट करेंगे। साइड चेंज करके हम थोड़ा सा ही रोस्ट हो जाए उसके बाद घी या बटर अप्लाई करेंगे। अगर पराठा अच्छे से रोस्ट हो जाता है तो हमारे रिब्स बहुत ही बढ़िया बनते हैं। रोस्ट हो जाने के बाद उसे हम एक प्लेट में ले लेंगे। ऊपर हम मेयोनीज स्प्रेड करेंगे, साथ में घर की ग्रीन चटनी भी स्प्रेड करेंगे। ऊपर हम पनीर टिक्का रखेंगे।
इस तरीके से हमें सिर्फ सेंटर में ही रखना है। थोड़ी सी ऑनियन स्प्रिंकल करेंगे, हरे धनिया स्प्रिंकल करेंगे, उसके ऊपर हम लेमन स्क्वीज करेंगे। दोनों साइड से इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। रैप को हम टूथपिक की मदद से पैक करेंगे। हमारी पनीर टिक्का रैप्स रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। दूसरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।